नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, एक बार सामान छोड़ के आया हूँ स्टैंड पे, अभी पूजा को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बाइक पे दोनों लोगों को एक साथ ना आता, इसीलिए एक बार सामान छोड़ने गया और पूजा को लेके जा रहा हूँ। दोस्तों, जाने की इच्छा तो नहीं हो रही दोस्तों, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार गाँव आ जाओ तो गाँव से जाने की इच्छा नहीं होती है, इसीलिए मैं 1.5 साल या 2 साल में ऐसे ही आता हूँ। सोच रहा था 8-10 दिन पहले ही जाऊंगा, लेकिन जाने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए रिजर्वेशन थोड़ा सा लेट करवाया, 8-10 दिन बाद करवाया। कृष्णा का भी मन नहीं लगता है वहाँ पे जाके, क्योंकि अकेले किसी के साथ खेलते नहीं, तो यहाँ पे थे तो प्रिया प्रिंस के साथ खेलते रहते थे सारा दिन। जब स्कूल चली जाती थी तब हो गया थोड़ा सा, 2-3 घंटे सो लेते थे, लेकिन जैसे आते थे ना तो दिन भर प्रिया के साथ, प्रिंस के साथ सारा दिन खेलते रहते थे दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम लोग 1.5 घंटे तक बैठे थे, अभी गाड़ी नहीं आ रही थी स्टैंड पे, क्योंकि दूसरी लाइन से ज़्यादा गाड़ी जाने लगी है और इस लाइन से थोड़ी कम जाने लगी है। तो अभी 1.5 घंटे बाद दोस्तों बस मिली है, बस का इंतज़ार करते करते हम लोग सोच रहे थे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम से कैसा प्लेटफार्म पर पहुँच जाएंगे, टाइम से ट्रेन मिल जाएगी। तो यही था दोस्तों, हम लोग पहले ही चल दिए 11-12 बजे, क्योंकि शाम को 4 बजे की ट्रेन है, इसीलिए हम लोग 2-3 घंटे पहले ही चल दिए, ताकि टाइम पर पहुँच जाएंगे तो टाइम से ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन क्या करें दोस्तों, रास्ते में ही ट्रेन छूट गई। तो इस ट्रेन में बैठ के हम लोग सतना में उतरेंगे, सतना से फिर दूसरी मुंबई रूट के लिए ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। अगर ट्रेन मिली टाइम पे तो ठीक है, हो सकता है जबलपुर तक वो मिल जाए ट्रेन, क्योंकि अगर लेट होगी तो। वैसे मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों, मैं गूगल पे चेक किया तो यहाँ पे जब सतना पे उतरा तो सतना पे उतरने के बाद देखा दोस्तों, तो वो ट्रेन अभी रीवा से सतना के बीच में ही कहीं खड़ी हुई है दोस्तों, तो शायद मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये रही हमारी ट्रेन, आ गई दोस्तों, बहुत मुश्किल, ऐसे लग रहा था भगवान की कृपा से ही मिलेगी दोस्तों, आ गई ट्रेन। अच्छा हुआ 1/2 घंटे लेट थी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता, फिर दूर का सफ़र है कैसे जाते दोस्तों। तो भगवान की कृपा से ट्रेन आ गई दोस्तों, हम लोग बैठ गए अपनी सीट वगैरह ढूँढ के, अब एक कृष्णा इंजॉय कर रहे हैं खिड़की पर। बहुत ज़्यादा टेंशन था दोस्तों, ऐसे लग रहा था ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे जाएंगे, क्योंकि साथ में इतना सारा सामान भी था और प्लस कृष्णा थे, पूजा, ऐसे था कि आराम से मिल जाएगी, तो कुछ टेंशन नहीं था, आराम से सोते हुए निकल जाएंगे, नहीं तो अगर छूट जाएगी तो फिर खड़े खड़े या तो सीट नहीं मिलती दोस्तों, तो बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि दूर का सफ़र रहता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, हम लोग आराम से, कुछ टेंशन नहीं था, रात भर सोए, कृष्णा भी उठे, रात भर आराम किए, कृष्णा भी आराम से सोए दोस्तों। मैं तो थोड़ा इधर उधर जाग के देख रहा था सामान वगैरह, और कृष्णा को देख रहा था, तो अच्छे से नींद बराबर तो नहीं हो पाई, लेकिन मैं भी सोया, ऐसी बात नहीं है, मैं भी सोया, आराम किया। अब दोस्तों, कृष्णा को नाश्ता देना है, यह कुरकुरा, अभी दूध पिए हैं, दूध तो रात वाला पूरा ख़राब हो गया था जो वहाँ से लेके चला था, फिर यहाँ पे लिया वो फ्लेवर मिल्क लिया दोस्तों, तो कृष्णा पिए हैं अभी। कृष्णा कुछ खाते नहीं, लेकिन बच्चों को देख के चिप्स वगैरह ऐसे ही पोगड़ी वगैरह खा लेते हैं दोस्तों। ये 8 बजे ट्रेन पहुंचा देती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गई, कम से कम नहीं तो 3.5 घंटे लेट चल रही है दोस्तों ट्रेन। हम लोग सोच रहे थे सुबह सुबह अगर पहुँच जाएंगे, पानी वगैरह भर लेंगे, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर टाइम पर नहीं पहुँचेंगे। तो दोस्तों, ये ट्रेन कम से कम नहीं तो 3.5 घंटे लेट हो गई दोस्तों, अभी उससे भी ज़्यादा लेट ही चल रही है, क्या मालूम कब तक पहुँचाएगी। काम है अभी रूम पे जाके। ये दोस्तों अंगूर की खेती है, अंगूर की खेती दिखने लगी, मतलब समझ जाओ अब नासिक आ रहा दोस्तों, बहुत ही करीब है नासिक। ये हम लोग पहुँच गए स्टेशन पे, प्लेटफार्म पे हैं हम लोग, अभी उस तरफ जाके बस लेना पड़ेगा, सिटी बस लेना पड़ेगा या ऑटो लेना पड़ेगा, तब जाके रूम तक पहुंचेंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितना सामान जाएगा कैसे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूजा से तो आएगा नहीं लेते, मुझे ही लेना पड़ेगा दोस्तों, क्या करूं। ये बस में हम लोग बैठ गए, पूरी खाली है, अभी 1/2 घंटे बाद ये बस चलेगी, और बहुत ज़्यादा वजन था, इतना ज़्यादा वजन था, ऐसे लग रहा था कैसे पहुँचेंगे स्टैंड तक, तो अच्छा हुआ हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ से करीब 1 घंटे का टाइम लगेगा रूम तक जाने के लिए, फिर हो गया, अब टेंशन नहीं है, या तो ऑटो कर लेंगे वहाँ से। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए, अभी लॉक खोलना चालू है, यहाँ तक कैसे पार हो पाएंगे, पर हो गए। और इधर कृष्णा का चालू है, आते ही तो पूरा डस्टबिन ले लिए हैं और घूम रहे हैं। ये बर्तन वगैरह ढक के गया था, और इधर बिस्तर ढका था, बहुत ज़्यादा डस्ट है दोस्तों, अभी साफ़ सफाई करेंगे
अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये कितना डस्ट है। थोड़ा सा नहा धो लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। दोस्तों रूम की साफ सफाई किया और साफ सफाई करने के बाद नहाया और सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, तो नंबर लगाया था दो चार दिन पहले ही नंबर लगाया था, तो फिर गया एजेंसी पे। एजेंसी पे जाने के बाद सिलेंडर लाया दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम हो गया था। हालांकि रास्ते पे भी गाड़ी छूट गई थी, उसका प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, ऐसे लग रहा था गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्या है कृष्णा, फिर अच्छा हुआ दोस्तों भगवान की कृपा से गाड़ी मिल गई। ज़्यादा कुछ भी नहीं लाया, थोड़ा सा ही लाया, लेकिन बहुत ज़्यादा वजन था दोस्तों, पूरा कंधा दुखने लगा। हालांकि एक कपड़े का बैग इतना ज़्यादा था ना कि उठ ही नहीं रहा था, लेकिन कंधे पे लाते लाते ये कंधा नहीं उठ रहा दोस्तों। दिखाता हूँ आप लोगों को क्या क्या लाया हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ भी नहीं लाया, ये तिल का लड्डू है, लाई वगैरह सब पूरा चूरा हो गया है, ये सब बंधे हुए लड्डू थे और ये वाला बच गया है, बाकी सब चूरा हो गया दोस्तों। और ये तिल का तेल है, कृष्णा के लिए है, ठंडी गर्मी में लगाने के लिए। और ये सरसों का तेल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ भी नहीं लाया क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। और ये चने की दाल है और ये अरहर की दाल है जिसे तुअर कहते हैं। और ये दोस्तों नमकीन लाया हूँ, ये नमकीन घर पे ही बनाए थे भैया और मम्मी दोनों लोग मिलके बनाए थे, तो ये मम्मी रख दी थी, मैं बोला था नहीं लेके जाऊंगा लेकिन रख दी थी कि रास्ते पे खा लेना। तो यही है दोस्तों, ज़्यादा कुछ भी नहीं लाया। सबको एक एक साड़ी भी दिया, दोनों दीदियों को दिया और मम्मी को दिया, भाभी को दिया। और प्रिया को पूजा दी थी 200 रुपये और प्रिंस को दी थी 100 रुपये, मैं भी दिया 100-100 रुपये दोस्तों। और मम्मी को 1000 रुपये दिया, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं दे पाया क्योंकि 2 महीने से वैसे ही बैठा था। मम्मी दी थी मुझे 5000 रुपये, लेकिन मैं वहीं रख के आ गया क्योंकि दवा वबा में सब इतना सारा खर्च हो गया, इसीलिए लेके नहीं आया दोस्तों। मैं पैसा दी तो थी लेकिन मैं चोरी से चुपचाप रख के चला आया था सोफा में। तो यही है दोस्तों। और भाभी दी थी 500 रुपये, तो भाभी कभी पैसा नहीं लिया क्योंकि पैसे पैसे का ही काम रहता है। तो भाभी बोल रही थी कृष्णा के लिए कपड़े के लिए ले लो, और पायल दे रही थी, पायल भी नहीं लिया, पायल लेने ही नहीं दिया दुकान से ही। और 500 रुपये दे रही थी कृष्णा के लिए कपड़े के लिए, तो फिर नहीं लिया दोस्तों। तो यही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, राधे राधे।